गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट के बारे में। और अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में दोस्तों जो हम लोगों का चौथा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था, और पांचवा चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। पांचवा चैप्टर जो आप लोगों का था दोस्तों, सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये दोस्तों चैप्टर पूरा कम्प्लीट हो गया था, और मैंने इसका PDF नोट्स आप लोगों को दिया हुआ था। आई होप PDF नोट्स आप सभी लोगों तक पहुँच गया होगा, और इसको आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है सेंड भी कर दिया था। आपको वहाँ जाना था और उसको डाउनलोड कर लेना था, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। दोस्तों आज हम इसी PDF नोट्स में जो क्वेश्चन दिए गए थे उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो मैंने टाइप के हिसाब से दिए थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टाइप वन के क्वेश्चन हैं, अभी आगे टाइप टू के भी हैं। टाइप वन में, टाइप टू में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम हैं, बहुत ईजी हैं, एक ही मेथड फॉलो करेंगे हम लोग। उसी से सारे क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों सॉल्व हो जाएंगे आपके टाइप के हिसाब से। एक से दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और कहीं भी अगर आपको डाउट होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें टाइप वन का जो है दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, इस तरीके से आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग जो है आज टाइप वन को स्टार्ट करते हैं। टाइप वन में दोस्तों हमें क्या दिया गया है आप देख लीजिएगा, निम्न सदिशों को जोड़ें, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने सभी जो है इस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एज अ रिविजन के रूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिकली पहले से, ठीक है। आपको ऐड करना तो आता ही होगा। दो वेक्टर्स को दोस्तों हम लोग कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, ओके। इसी तरीके से दोस्तों बी वेक्टर है आपके पास 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 14k कैप। इन दोनों को आपको जोड़ना है, यानी कि आपको दोस्तों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है, ओके। क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इनको कैसे ऐड करते हैं, मैंने बताया था आई आई के साथ ऐड होता है, जे जे के साथ ऐड होता है, और के के साथ ऐड होता है, ठीक है ना। देखिए अगर हम आई और आई को ऐड करेंगे तो आपका 3 और 1 ये 4i हो जाएगा, ठीक है ना, 4i कैप, ठीक है। अब देखिए ये आपका 3j कैप है, ये भी 3j कैप है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आप लोगों के इस तरीके से, ओके। इस तरीके से इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस का ज़्यादा है, तो यहाँ से प्लस का आपका 13k कैप आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये देखिए अपोजिट साइन के हैं, तो दोनों के दोनों आपके घट जाएंगे। इस तरीके से ये आपके पहले क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें निकालना है पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर। यहाँ से ये दोस्तों 4 और 3 जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, आपका 7i कैप हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये i है। अब देखिए j यहाँ है तो ये आपका 2 है, और ये आपका 4, तो ये आपका 6j कैप हो जाएगा, ओके। और यहाँ देखिए आपका 5 और 3 8k कैप हो जाएगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। आई को आई के साथ ऐड करते हैं, ये ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर का दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हमने यहाँ इसको इससे ऐड किया था कि इसलिए क्योंकि वो आपका जे और जे ही था, इसलिए मैंने उसको दोस्तों क्या किया था, ऐड किया हुआ था, राइट। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, आई और आई आपका 7i हो गया, प्लस ये देखिए जे था और ये जे, तो 4 और 2 6 हो गया, और ये आपका माइनस का 8k हो गया। देख लीजिए बाकी सारे क्वेश्चंस दोस्तों बिल्कुल सेम ही हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चाहे वो तीसरा हो, चौथा हो, या फिर आपके आगे के क्वेश्चंस हो। अगर आप बात करें चौथे क्वेश्चंस की तो चौथा क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका जे कैप नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम बात करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की, तो ये आपका 2 और 3i कैप हो जाएगा, क्योंकि देखिए आई और आई को हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद के और के को जोड़ेंगे तो प्लस का 2k कैप आपका हो जाएगा, राइट। बट यहाँ 0 होगा आपका, क्योंकि यहाँ आपका जब जे नहीं दिया तो आप 0j कैप मान सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंपली जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा, ठीक है। और बेसिकली आप ना भी माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको x दिया है, y दिया है, z दिया है, तीनों को आपको जोड़ना है। आपको दोस्तों यहाँ से x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर निकालना है। यहाँ आप तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तीनों को कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये आपका आई हो गया, ये भी आई हो गया, ये भी आई, यानी 3 2 5 और 3 8, तो 8i कैप आपका ये हो जाएगा।
और देखिए ये आई जुड़ गया आपका। अब जे को जोड़ना, तो यहाँ तो जे है नहीं है, यहाँ जे है नहीं है, तो फिर जे यहाँ है और जे आपका यहाँ है, तो ये आपका माइनस का जे कैप बच गया, माइनस का जे कैप। ओके, अब देखिए के ये है और के ये रहा और ये के आपका ये रहा, तो 4 और 2 6 और 1 गया, तो आपका प्लस का 5 के कैप। सो ये आपका इस तरीके से इसका भी आंसर हो गया। आपको 2 वेक्टर दे या फिर 3 वेक्टर, आप बिल्कुल इजीली इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब टाइप 1 हमारा कंप्लीट होता है, बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और कहीं भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। टाइप 1 जरूर डालें, अगर टाइप 1 के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो टाइप 1 और फिर क्वेश्चन का जो नामांकन है वो जरूर डालें, ठीक है ना, ताकि मुझे बताने में जो है प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए टाइप टू भी बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको ए वेक्टर दिया है, देखिए ये आपका ए वेक्टर हो गया, और इसके बाद आपके पास बी वेक्टर है, फिर आपसे पूछा है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का वैल्यू। ओके, फिर आपको इसी में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। ए माइनस बी वेक्टर का भी निकालना है और आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का भी निकालना है। तो मैं आपको ए माइनस बी का बताता हूँ, बी माइनस ए आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर वैल्यू हमें निकालना है, सो होगा क्या, इसको हम आगे रख देंगे, इस वाले को हम आगे रख देंगे, सो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस का 3k वेक्टर। ये दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके पीडीएफ नोट्स के ही हैं, बिल्कुल भी ना घबराएं, जो भी मैंने आपको पीडीएफ नोट्स दिया हुआ था वही सारे क्वेश्चंस यहाँ लिए हुए हैं, ठीक है। सो ये आपका ए वेक्टर हो गया, माइनस आपको बी वेक्टर करना है, तो बी वेक्टर ये रहा, और इसको जब यहाँ रखेंगे बाहर माइनस का साइन है, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 3i कैप माइनस का 4k कैप प्लस, यहाँ देखिए आपका माइनस है तो प्लस 4j कैप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए आई ये रहा तो आपका माइनस का 2i कैप हो जाएगा, जे ये रहा आपका, और जे आपका यहाँ पर लास्ट में है, तो 5 और 4 आपका 9j कैप हो जाएगा, कितना 9j कैप। के आपका ये रहा और के आपका यहाँ ये है, तो आपका दोनों माइनस का है, तो 4 और 3 7k कैप आपका हो जाएगा। सो ये दोस्तों आपका आ गया ए माइनस बी। अब b माइनस ए निकालना, तो b को आप पहले रखेंगे, फिर आप अंदर क्या करेंगे, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा देंगे a वेक्टर की वैल्यू, यानी इसमें, ठीक है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप बाकी के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए p वेक्टर दिया है, q वेक्टर दिया है, आपसे p वेक्टर माइनस q वेक्टर और q वेक्टर माइनस p वेक्टर का वैल्यू पूछा गया है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आप लोगों को। देखिए अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को p वेक्टर माइनस q वेक्टर बता देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए, यहाँ आपका दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, माइनस का साइन लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, सो यहाँ देखिए अगर हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो गया, इससे घट करके बचेगा i कैप, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद देखिए ये आपका माइनस का 2j हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो प्लस का j कैप आपका आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो ये आपका फिर माइनस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए आप लोगों को x भी दिया, y भी दिया, z भी दिया, लेकिन वैल्यूज अलग अलग पूछी गई हैं आपसे। देखिए x और y का पूछा है, यानी कि x वेक्टर माइनस y वेक्टर का पूछा है, y वेक्टर माइनस z वेक्टर का भी पूछा है। सो आपको मैं कोई एक बता देता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए इसका आपको वैल्यू बताता हूँ। सो y वेक्टर माइनस z वेक्टर का जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो y हमारा ये रहा, यानी कि i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब जेड ये है तो अब इसको यहाँ रख दीजिए आई कैप, अब देखिए बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जे कैप हो जाएगा और ये आपका माइनस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वाई वैक्टर माइनस का जेड वैक्टर। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए कैंसिल इससे, ठीक है, ये इससे घटा तो आपका जे कैप बच गया, ये आपका के है और ये के है, तो प्लस का आपका 3k कैप आ जाएगा। सो ये आपका इसका आंसर हो गया, बाकी 3 आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो बाकी के 3 हैं ये आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं। टाइप 2 हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलिए बात करते हैं हम लोग टाइप 3 के बारे में, ठीक है ना। टाइप 3 हमारा क्या है, इसके बाद हम टाइप 4 भी देखेंगे। सो दोस्तों टाइप 3 जो है आप इसको देखिएगा अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका मॉड्यूलस को निकालना। सो मॉड्यूलस जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा पहले आप नोट कर लीजिए।
फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। सो अगर हम पहले मॉड्यूलस की बात करें, सो ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, क्योंकि आपको मॉड्यूलस ही निकालना है, ये सारे वेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं। सो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दो का स्क्वायर यानी चार प्लस तीन का स्क्वायर यानी कि नौ और पाँच का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए यहाँ से 9 और 4 आपका 13 हो गया, ये 25 था और प्लस का ये 13 हो गया। अब जब इसको ऐड करेंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 और ये आपका 38 आ जाएगा, ठीक है ना। सो इतना आपका मॉड्यूलस हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आ ही जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4 प्लस 25 प्लस 9, ठीक है, ये आप ऐड कर देंगे और आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा आंसर आपका, 38 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू होता है आई कैप का गुणांक, तो है नहीं तो जीरो का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस वाई होता है जे का गुणांक यानी 11 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जेड होता है के का। सो ये आपका सिंपली माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 11 का स्क्वायर तो 121 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा 122 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। देख लीजिए 9 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सारे के सारे जो हैं आपके सिंपल हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जो है दोस्तों ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों टाइप फोर के बारे में, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दोस्तों इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग बेसिकली इन टॉपिक्स पर पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैंने ये पीडीएफ नोट्स तैयार किया हुआ था, सो मैंने सोचा कि इसके क्वेश्चंस भी कुछ आप लोगों को सॉल्व कराने चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं टाइप फोर की। तो टाइप फोर में दोस्तों आपको क्या कहा गया है, निम्न सदिशों का इकाई सदिश ज्ञात करें, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म का, सो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है ए कैप, और क्या होता है दोस्तों, ये पूरा वेक्टर अपॉन ये पूरा वेक्टर ऊपर वाला, और अपॉन होता है दोस्तों इसका मॉड्यूलस, क्या होता है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मैं अब इसका फॉर्मूला ही लिख देता हूँ सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ आप मॉड्यूलस बोल सकते हैं इस वेक्टर का, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया। सो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर दिया गया है, राइट। सो आपको निकालना है यहाँ से ए कैप, ए कैप क्या होगा, ये पूरा वेक्टर यानी कि टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये तो हो गया आपका वेक्टर, और अपॉन क्या करना है इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, प्लस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ऊपर तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका कितना, नौ में चार जोड़ा तो तेरह, और तेरह में चार जोड़ा तो आपका सत्रह हो गया रूट के अंदर। अब आप इसको और डिटेलिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू आई कैप टू जे कैप माइनस का थ्री के कैप, राइट, और अपॉन में दोस्तों आपका हो जाएगा रूट 17। इनको अलग अलग आप दे सकते हैं, जैसे कि टू अपॉन रूट के अंदर 17 आई कैप प्लस टू अपॉन रूट के अंदर 17 जे कैप, और फिर आप यहां से बोल सकते हैं माइनस का थ्री अपॉन रूट के अंदर 17 के कैप। सो ये हो गया दोस्तों इसका आपका यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से आपको दोस्तों सभी क्वेश्चंस का निकालना है, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर हार्ड नहीं है, राइट। ये देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन, आप देख लीजिए स्टार्टिंग से, ये आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए पाँचवा क्वेश्चन ही ले लीजिए। सो इसका आप मान लीजिए ये ए वैक्टर है, राइट। सो आपको निकालना है ए कैप, ए कैप इज इक्वल टू होगा ये वैक्टर यानी फाइव आई कैप, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्या होगा आपका 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ओके, और अपॉन में क्या होगा इसका आपका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ओके। इतना आप लोग समझ गए, ये हो जाएगा 5i कैप
माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ओके, अब इन सबको आप लोग ऐड कर दीजिए, राइट। सो यहाँ देखिए 9 में जब 4 जोड़ा तो 13 हो गया, और 13 में जब 5 जोड़ा तो आपका 18 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए कैरी वन आ गया, तो यहाँ आपका 38 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 38। अब मैंने बताया था कि आप लोग चाहें तो इसका अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग आप लोग डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये हो जाएगा 5/√ के अंदर 38i कैप माइनस 2/√ के अंदर 38j कैप प्लस 3/√ के अंदर 38k कैप, ठीक है। सो ये आपके दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, यूनिट वेक्टर हो गया, ये वाला क्वेश्चन था आपका। सो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका टाइप 4 था, जिसमें आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना था, यानी कि इकाई सदिश। इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बटे उसका मापांक, यानी कि वेक्टर अपॉन उसका मॉड्यूलस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों टाइप 4 की। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसमें देखिए 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों के पास पहुँच गया होगा, ठीक है। सो उससे देख कर भी इसको सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों टाइप 4 की। सॉरी, टाइप 4 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, हम बात करते हैं टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 देखिए दोस्तों, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो ट्रायंगल ला मैंने बताया था उससे रिलेटेड है। आप देख पा रहे होंगे आपको ए दिया है और बी दिया है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स दिए हैं और फिर आपको ए बी वैक्टर निकालना है, ठीक है। सो ए बी वैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, ओ बी वैक्टर, ओ को पीछे वाले के साथ माइनस ओ को आगे वाले के साथ, तो ओ ए वैक्टर ये होता है, ठीक है। सो अब ओ बी वैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ओ बी वैक्टर यहाँ से निकलेगा, देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, ये आपका ओ बी बन गया माइनस। अब आपको बनाना है ओ ए, तो ये यहाँ से बन जाएगा आई वैक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का आपका 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। देखिए i से ये i गया तो कितना हो गया 4i कैप, j से j गया, देखिए j ये रहा, तो ये प्लस का 4j कैप आपका हो जाएगा। ये आप इसके घटाएंगे तो आपका 3k कैप आ जाएगा। सो ये आपका इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ आपको पहले से ही आपको ओ पी वैक्टर ओ क्यू वैक्टर दिया है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। अब ओ क्यू वैक्टर आप क्या बनाएंगे, 4i कैप प्लस 6j कैप, राइट, और फिर 2k कैप माइनस ओ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई वैक्टर सॉरी आई कैप, ओ पी वैक्टर बनेगा ना, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। पहले आई फिर j और k, ये सब इनमें आपको ऐड कर देना, यानी 1i कैप 2j कैप 3k कैप। इसी तरीके से यहाँ भी i j और k तीनों आप लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। अब आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा भी ऐसा ही है, चौथा भी आप लोगों का ऐसा ही। देखिए इसमें दो चीज़ें पूछी हैं जैसे आप लोगों से, ए वैक्टर, तो इसका क्या होगा, ओ बी वैक्टर माइनस का ओ ए वैक्टर हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या होगा, मैंने बताया था ओ को पहले लास्ट वाले के साथ लेंगे, तो लास्ट बी था, यहाँ लास्ट ए है, सो ओ ए वैक्टर माइनस यहाँ हो जाएगा ओ बी वैक्टर, ठीक है। अगर आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। सो अभी डिटेलिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉपिक आपका हो चुका है, अभी तो बस हम केवल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो ये दोस्तों आपका जो टाइप 5 है वो कम्प्लीट होता है और बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप 6 की। दोस्तों जो टाइप 6 है इसमें आप लोगों को क्या बोला है, इसमें आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, यानी कि द्विकोज्या आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, यानी कि एल एम और एन, इन तीनों की वैल्यूज आपको निकालनी है किसी भी वेक्टर की हेल्प से। एक वेक्टर आपको दिया है, ये वेक्टर है, और इसकी हेल्प से आपको एल एम एन की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो दोस्तों ये आप लोग कैसे करेंगे, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये सिखाया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने दोस्तों फार्मूला बताया था एल के लिए,
एल जो होता है वो कॉस एल्फा के भी बराबर होता है, और ये होता है एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना दोस्तों। चलिए अब देखिए, आपका ये हो गया इतना, एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम तब रखते हैं दोस्तों जब हमें क्या हो, डायरेक्शन एंगल भी निकालना हो, यानी एल्फा बीटा गामा भी निकालना हो। सो फिलहाल अभी हमें नहीं निकालना, सो इसलिए हम केवल एल बराबर ही रखेंगे, राइट। अब पहला वेक्टर है तो इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। सो यहाँ रख दीजिए एक्स का वैल्यू क्या है, 4 अपॉन आपका जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो 4 जाए 16 प्लस वाई यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस जेड यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आ गया 4 अपॉन रूट के अंदर देखिए 16 में 4 जोड़ा 20 और 20 और 9 29, तो इतना आपका दोस्तों क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है ना। अब आपको इसी तरीके से एम निकालना है, तो एम क्या हो जाएगा, वाई अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू आपको रखना है सिर्फ, तो वाई का वैल्यू यहाँ से देखिए आपका 3 है, कितना है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और इस पूरी का वैल्यू आप एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं रूट के अंदर 29, सो ये आपका एम आ गया, कितना आ गया दोस्तों, एम आ गया। और ये आपका एल था, यानी दो द्विगुज आप लोग निकाल चुके हैं, तीसरा निकालना है एन। सो एल क्या होता है, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। सो जेड का वैल्यू रख दीजिए, जेड का वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 दिया है, सो जेड का वैल्यू दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा 2/2, और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं रूट के अंदर 29। सो ये आपका एन का वैल्यू आ गया, क्या आ गया दोस्तों, एन का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको डायरेक्शन एंगल भी निकालना होता इसी वेक्टर के, तो फिर एल के बराबर आप क्या करते, एल बराबर आप रखते यहाँ से कॉस एल्फा, और कॉस एल्फा इसके बराबर हो जाता यानी कि 4 अपॉन रूट 29 के, ठीक है। तो यहाँ से जो एल्फा होता वो आ जाता दोस्तों आपका कॉस इनवर्स 4 अपॉन रूट के अंदर 29। सो ये आपका पहला डायरेक्शन एंगल आ जाता। सपोज दूसरा भी आपको निकालना होता तो फिर आप एम के बराबर रखते कॉस बीटा और इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट के अंदर 29 हो जाता। सो बीटा बराबर हो जाता आपका कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट के अंदर 29, ठीक है ना। यही समझते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अलग से समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मुझे इस क्वेश्चंस को भी नोट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप यहीं एडजस्ट करिए इस चीज़ को, ये बीटा आ गया। मान लीजिए आपको गामा निकालना है तो फिर एन बराबर होता है कॉस गामा, सो कॉस गामा बराबर कितना हो जाता है, टू अपॉन रूट के अंदर 29। तो यहाँ से गामा जो होता वो हो जाता कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट के अंदर 29, ये आपकी गामा की वैल्यू आ जाती, ठीक है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल निकालते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल बराबर ये होता है कॉस एल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट के अंदर, फिर होता है एम बराबर कॉस बीटा, फिर यहाँ वाई हो जाता है, फिर यहाँ एन बराबर होता है कॉस गामा होता है, और फिर यहाँ जेड हो जाता है, ठीक है। सो ये था दोस्तों आपका टाइप 6। क्या है ये आपका टाइप 6 है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 7 की। देखिए टाइप 7 में दोस्तों क्या है, आप थोड़ा इसको देख लीजिए। सदिशों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी पहला सदिश ए वेक्टर दिया है, दूसरा सदिश बी वेक्टर दिया है, और दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है दोस्तों, दोनों के बीच की जो है दूरी आपको कैलकुलेट करनी है, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सो माना कि ये वेक्टर आपका ए पॉइंट पर है और ये वेक्टर बी पॉइंट पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि आपको ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, क्या था दोस्तों फॉर्मूला था आप लोगों का, चलिए दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस का जेड वन का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये हो गया जेड वन, और यहाँ वन है जो वो एक्स टू हो गया,
ये y2 हो गया और ये आपका z2 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप कंपेयर करा सकते हैं। अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4, 2, 3, ठीक है ना। यहाँ से 1, 2, 3 इस तरीके से आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ दोस्तों। आप देखिए यहाँ ये रूट है, इसके अंदर आपको रखना है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। सो एक्स टू कितना है, यहाँ से 1 है और एक्स वन कितना है 4, यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूट के अंदर हम लिख रहे हैं, तो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसको हम माइंड में ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब हमें करना है वाई टू माइनस का वाई वन का स्क्वायर। तो वाई टू है हमारे पास 2 और वाई वन भी 2, तो 2 से 2 गया तो 0, यानी 0 का स्क्वायर तो 0, प्लस जेड टू माइनस जेड वन करना है, तो जेड टू हमारे पास 3 है, ठीक है। जेड टू हमारे पास कितना है दोस्तों, 3 है, और जेड वन भी हमारे पास 3 ही दिया गया है। तो यहाँ से 3 से 3 जाएगा तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 0। तो यानी कि आपका केवल बचा रूट के अंदर 9, यानी कि 3 इकाई। इतने इकाई जो है दोस्तों आपके दोनों वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस है। सो इस तरीके से आप निकालते हैं किन्हीं भी दो जो है वेक्टर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देखिए पहले से पॉइंट्स आपको दिए हैं, यानी एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू आपको पहले से गिवन है। बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वेक्टर दिया तो इसमें आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं 1, 1, 1, और इसका निकलेगा 2, -2, -3। बस अब इसको एक्स वन मान लीजिए, इसको वाई वन, इसको जेड वन, इसको एक्स टू, इसको वाई टू और इसको जेड टू। बस फॉर्मूला वही है, ये रखा ऊपर, बस इसमें पुट कर दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अब क्या करना है, सभी जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने। आप लोग देख लीजिए एक बार, ये 8 क्वेश्चंस दोस्तों मैंने दिए हुए हैं टाइप 7 से रिलेटेड, ठीक है। सो ये सब आपको ही करना है, ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका जो सॉल्यूशन है आप लोगों को ज़रूर से दूंगा, ठीक है ना। अब सारे क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, कहेंगे सर आप वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन भी करा रहे हैं, राइट। सो ये आप समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों टाइप 8, जो टाइप 8 है वो आप लोगों का क्या दिया गया है, ठीक है ना। सो टाइप 8 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, टाइप 8 में आपसे क्या बोला गया है, टाइप 8 में बोला है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों सदिश हैं, तब सिद्ध कीजिए तीनों समतलीय हैं या नहीं है। यानी जो 3 सदिश आप लोगों को दिए हैं आपको बताना है कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो इसकी कंडीशन होती है कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 के बराबर अगर आपका आ जाता है सो आप कहेंगे ये आप लोगों का कोप्लेनर है, लेकिन अगर यही डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर नहीं आता है सो आप कहेंगे कि ये जो हम लोगों का क्या है, जो आपका ये वेक्टर्स है वो क्या है दोस्तों, आपका समतलीय नहीं है, यानी असमतलीय है, ठीक है। सो क्या करते हैं, पहले तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डेल्टा कैसे निकालते हैं, पहले इनका कोफिशिएंट लीजिए, इसका कोफिशिएंट अगर हम लेंगे तो 2, 1, 4, 2, 1, 4, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, एडजस्ट करिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका यहाँ से देखिए कितना है, 2। अब ध्यान देना इनका ऑर्डर डिसबैलेंस है, तो पहले आई का रखेंगे, फिर जे का यानी कि 2, फिर के का यानी कि -1। और शायद ये क्वेश्चन मैं सॉल्व ही करा चुका हूँ आप लोगों को क्लास में, ठीक है ना। सो चलिए देख लीजिए फिर भी, अब इसको मान लीजिए हम R1 से करते हैं तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया तो ये बंद हो गया, ये बंद, यानी +1 -6 हो गया, राइट। माइनस का 1 बाहर आ गया तो ये बंद हो गया, आपका ये बंद हो गया, ये माइनस का 1 हो गया और माइनस का फिर से आपका 6 हो गया। देखिए 3, 2 जा 6, प्लस का 4 आपने बाहर किया तो ये बंद और ये बंद, तो 2 बन जा 2 हो गया और प्लस आपका यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। देखिए 2 बन जा 2 और ये आपका माइनस था, बट यहाँ आपका माइनस और आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। सो यहाँ कितना आ गया, देखिए यहाँ आपका 6 है तो -5, 2 जा 10 हो गया, वो भी माइनस का, और यहाँ देखिए आपका 6 और जो माइनस का 1 है वो आपका 7 हो गया माइनस का, तो यहाँ से प्लस का 7 आ गया। और देखिए 2 और 2 4, 4 जा 16 हो गया। सो इस तरीके से देखिए ये आपका कितना हो गया दोस्तों,
माइनस का 10 प्लस ये आपका 23 हो गया, तो यहाँ से प्लस का जो 13 है वो आपका आंसर आ गया, यानी कि जो डेल्टा आया वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। सो इस कंडीशन में ये आपका जो पहला वाला है वो असमतलीय होगा, क्या होगा असमतलीय, यानी कि ये समतलीय नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन बस याद रखिएगा, बाकी की जो सारे क्वेश्चन है वो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेल्टा निकाला और जीरो के बराबर आ गया तो समतलीय है, डेल्टा निकाला जीरो के बराबर नहीं आया तो असमतलीय, इसमें हमारा नहीं आया था तो ये आपका असमतलीय हो गया, ठीक है। सो टाइप 8 कंप्लीट हो चुका है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।